कुमाऊं मंडल के जंगलों में लगी आग और धुंध के चलते हल्द्वानी से पिथौरागढ़, मुनसारी और चंपावत को चलने वाली हेली सेवा को फिलहाल बंद कर दिया गया है और दोनों ही दिनों से हेली सेवा ठप रही थी। वहीं आज मुनसारी को छोड़कर पिथौरागढ़ और चंपावत की सेवाओं को शुरू कर दिया गया है। नोडल अधिकारी SDM पारितोष वर्मा ने बताया कि जंगलों में लगी आग और धुंध की वजह से हेली सेवा को रोका गया था क्योंकि हेलीकॉप्टर के उड़ान भरने के दौरान विजिबिलिटी काफी कम थी, हालांकि अभी भी सामान्य है। ये जो गोलापार से हेली सेवा यहाँ प्रारंभ की गई है और इनके संचालकों से बात हुई और इन्होंने वार्ता में अवगत कराया है कि लगभग दो दिन इनकी हेली सेवा बाधित रही, जो वनों में आग लगी है इसके कारण विजिबिलिटी खराब होने के कारण हेली सेवा बाधित रही। आज पुनः ये संचालित हो गई है, केवल मुनस्यारी आज ये हेली सेवा का लाभ नहीं लिया जा रहा है क्योंकि विजिबिलिटी वहाँ पर थोड़ी खराब बताई जा रही है और अन्य जगह पर हेली सेवा आज से प्रारंभ की गई है।